हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको चाय के बिजनेस और चाय के एक्सपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ। जो लोग चाय का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो लोग इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं, चाय की कौन कौन सी क्वालिटी होती है। आमतौर पर हम जाते हैं तो हम तो एक ही चीज़ कहते हैं, भैया इस ब्रांड की चाय दे दे, ये चाय दे दे, लेकिन नहीं, चाय में भी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, अलग अलग क्वालिटी होती हैं। तो डिटेल में इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ ताकि आप बहुत आसानी से चाय का बिजनेस कर पाए, चाय का एक्सपोर्ट कर पाए। मैं हूँ हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और एक्सपोर्टर। तो अब बताता हूँ चाय की क्वालिटी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो चाय की सबसे सुपीरियर क्वालिटी, जिसे हम आप सुपर स्ट्रांग क्वालिटी कह सकते हैं, जिसमें हाई कैफीन होता है, वो है ब्लैक टी। तो ब्लैक टी जो होती है सुपर स्ट्रांग होती है, तो इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। तो और मैं ये कहूँगा कि आप इसमें मार्जिन्स भी अच्छे लीजिए। उसके बाद है ग्रीन टी, जिसमें आपको जो कैफीन है वो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन आज की डेट में लोग डाइट कॉन्शियस बहुत हो गए हैं, वो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, उनके लिए चाय बहुत अच्छी, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। फिर है उलोंग टी, जो कि इसमें भी कैफीन जो होता है वो कम होता है, हाँ ब्लैक टी से थोड़ा सा कम कह सकते हैं। वाइट टी उसके बाद आती है, एक अलग क्वालिटी है, जिसमें बहुत ही कम कैफीन होता है। फिर उसके बाद आता है हर्बल टी, जो कि हर्ब से बनी होती है, जिसको ब्लेंड किया जाता है अलग अलग फ्लेवर्स में, लेकिन इसमें कैफीन होता ही नहीं है, तो ये भी ध्यान में रखिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब आप चाय का एक्सपोर्ट करते हैं, आप चाय का बिजनेस करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास एक फर्म होनी चाहिए, जीएसटी होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपके पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि फूड प्रोडक्ट है तो फसाई भी आपको चाहिए। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो फसाई सेंट्रल ज़रूर लेना है आपको। टी बोर्ड की आपको मेंबरशिप लेनी है, इसका RCMC यानी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना है। अब इसके बाद मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। अब वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपने बायर को टारगेट किया, अगर उस बायर को नॉलेज नहीं है तो वो कहेगा ठीक है यार, ये चाय है ये आप मुझे दे दो, लेकिन अगर किसी को नॉलेज है तो वो आपसे ग्रेड पूछेगा। अब चाय में आते हैं ग्रेड, ये टेक्निकल चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा। चाय का बिजनेस करना है तो इसकी नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है, तभी आप बायर से मार्जिन ले पाएंगे। देखिए दोस्तों, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना, वो प्रैक्टिकली ढंग से सीखना है, ऐसे काम नहीं करना, करना भी ढंग से ही है, जब सीखना ढंग से तो करना भी ढंग से, तो इसलिए हम पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं चाय के बारे में। चलिए अब बताता हूँ कितने तरीके के ग्रेड्स होते हैं और उन ग्रेड्स में क्या क्या फर्क हो। सबसे पहला ग्रेड है पी। अब आप कहेंगे सर ये पी का है, क्या पीकॉक है? हाँ बिल्कुल मिलता जुलता है, पीको बोलते हैं इसको, जो कि देखने में जो चाय है वो बहुत ही यानी छोटे दाने की होती है, या मैं कहूँ जिसके चाय के जो पत्ते होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद दूसरा ग्रेड आता है OP, जिसे बोला जाता है ऑरेंज पीको, ये थोड़ी बड़ी होती है और ये एक तरीके से मान के चलिए टाइटली रोल्ड लीव्स होते हैं, इसके बहुत टाइट लीव्स होते हैं जो कि रोल फॉर्म में होते हैं। उसके बाद आता है अगला ग्रेड FOP, जिसकी फुल फॉर्म है फ्लोरी ऑरेंज पीको, जो कि आप कह सकते हैं लॉन्ग लीफ होती है इसकी, जो कि OP ग्रेड से बड़ी होती है, यानी OP ग्रेड से बड़ी लीफ होती है। उसके बाद है GFOP, जिसका फुल फॉर्म है गोल्डन फ्लोरी ऑरेंज पीको, ये जो होती है FOP होती है, यानी जो अभी मैंने इससे पहले बताया FOB ग्रेड, उसके साथ यानी जो गोल्डन टिप्स होते हैं, यानी उस लीफ पे इसके गोल्डन टिप्स होते हैं। FOB एक अलग क्वालिटी है, GFOP का मतलब है इसके ऊपर गोल्डन टिप्स हो गए, इसीलिए इसकी लीफ को गोल्डन फ्लोरी ऑरेंज पीको बोला जाता है। उसके बाद है TGFOP, जिसकी फुल फॉर्म है टिपी गार्डन फ्लोरी ऑरेंज पीको, ये GFOB जो इससे पहले हमने किया था उससे ज़्यादा इसकी जो लीफ पे गोल्डन टिप्स होते हैं। उसके बाद है FTGFOP फाइनस टिपी गार्डन फ्लोरी ऑरेंज पीको, अब ये और बेटर क्वालिटी हो गई,
TGFOP से, यानी पिछली वाली से भी, और हम बेटर पे जा रहे हैं, बेटर 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 पे जा रहे हैं, BOP ब्रोकन ऑरेंज पीको। अब ये क्या है जो हमने OP ऑरेंज पीको की बात की थी, ये उसके पत्ते होते हैं जो कि ब्रोकन फॉर्म में होते हैं, यानी पूरे पत्ते नहीं है, ब्रोकन फॉर्म में है, इसीलिए इसका नाम है BOP ब्रोकन ऑरेंज पीको। FBOP फ्लोरी ब्रोकन ऑरेंज पीको, जो कि FOB लीफ जो होती है, FOP यानी फ्लोरी ऑरेंज पीको के, ये ब्रोकन होती है, यानी अलग अलग क्वालिटी के जो लीव्स हैं ये ब्रोकन होती है। तो मेजर इस तरीके से भी बायर आपसे डिमांड कर सकता है क्वालिटी की, कि भैया मुझे क्वालिटी चेक कराओ, आप कौन सी क्वालिटी या कौन से ग्रेड की मुझे चाय बेच रहे हो। अब बात करते हैं कौन से देशों में मैं चाय को एक्सपोर्ट करूं, मार्जिन कहाँ मिलेगा और चाय मुझे सस्ती कौन कौन सी स्टेट्स में मिलेगी। दोस्तों, अगर आप चाय को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ईरान को टारगेट करिए, रशिया को टारगेट करिए, यूएसए को टारगेट करिए, यूएई को टारगेट करिए, यूके को टारगेट करिए, जर्मनी को टारगेट करिए, जापान को टारगेट करिए, नीदरलैंड्स को टारगेट करिए, पोलैंड को टारगेट करिए, चाइना को टारगेट करिए। और अगर आप चाय परचेज़ करना चाहते हैं तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है चाय का, आसाम से आप चाय परचेज़ कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल से परचेज़ कर सकते हैं, दार्जिलिंग से कर सकते हैं, तमिलनाडु से कर सकते हैं, केरला से कर सकते हैं और कर्नाटका से कर सकते हैं। I'm